من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ومن يطع الله ورسوله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو تمہارے اعمال تمہارے لیے سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کریں اس نے بڑی کامیابی پائی سچ فرمایا اللہ نے وہی بزرگ و برتری والا ہے تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون شہرگ سے جو قریب ہے وہ تو ہے اے علیم شہرگ سے جو قریب ہے وہ تو ہے اے علیم تیرے سوا سنے گا دلوں کی پکار کون یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون جو مانگنا ہے مانگ میرے بندے مجھ سے مانگ جو مانگنا ہے مانگ میرے بندے مجھ سے مانگ دے گا یہ آسیوں کو صدا بار بار کون یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون
या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। सजदे में सर गले पे छुरी लब पे अल्लाह सजदे में सर गले पे छुरी लब पे अल्लाह शबीर सा मिलेगा इबादत गुजार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। मालिक जो तू न देता रजा को गमे हुसैन मालिक जो तू न देता रजा को गमे हुसैन फिर माँ के बाद देता मुझे माँ का प्यार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। तेरे सिवा है बंदों का परवरदिगार कौन। या रब तेरे करम का करेगा शुमार कौन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम के जिनके नाम फ़रिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खसूसी सहरी नशरियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाज़रीन, इस कलाम से पहले इस ट्रांसमिशन की इब्तिदा में कुरान पाक की तिलावत की सआदत हासिल कर रहे थे क़ारी नुमान साहब। हम शुक्रगुज़ार हैं क़ारी नुमान साहब के कि जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत फरमा कर इस बज़ में रौनक को और बरकतों को समेटने की कोशिश की। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने रहमत के साए में रखे। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू भी कुरान पाक की इस जो तिलावत फरमाई है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 70 में कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और हक बात करो। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू भी है आदाब गुफ्तगू के। इस्लाम हमें क्या आदाब गुफ्तगू सिखाता है? अगर हम देखें तो माशरा बहुत सारी चीज़ों से तश्कील पाता है जिसमें से एक बुनियादी चीज़ है आदाब गुफ्तगू कि इंसान एक दूसरे से मुखातिब एक दूसरे से कैसे मुखातिब होता है, गुफ्तगू कैसे करता है और इस गुफ्तगू करने से माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं। यानी अगर इंसान पॉजिटिव गुफ्तगू करता है तो कैसे पॉजिटिव असरात होते हैं और नेगेटिव गुफ्तगू करता है तो नेगेटिव असरात कैसे होते हैं। एक दूसरे से मिलना मिलाना लेन देन में हम क्या गुफ्तगू करते हैं, किस अंदाज से बात करते हैं। हर जगह माशरे में गुफ्तगू के मुख्तलिफ अंदाज हैं। बहुत सारे माशरे जो हैं वो अपनी गुफ्तगू की वजह से पहचाने जाते हैं, चाहे वो ज़बान कोई भी क्यों ना हो लेकिन इंसान गुफ्तगू की वजह से पहचाना जाता है। और इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में अगर हम रोशनी डालें तो हमें पता चलेगा कि रसूल का गुफ्तार किरदार किस अंदाज का था। आखिर वो क्या अंदाज था गुफ्तगू का कि जो मुशरकीन भी थे जो मुसलमान नहीं भी थे वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से इतने मुतासिर थे और उनके आमाल से उनके किरदार से इतने मुतासिर थे कि अपनी अमानतें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे।
और उनको इस बात पर यकीन था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं हक कहते हैं और उनकी गुफ्तगू से फूल झड़ते हैं, चाहे वो अपना हो या पराया। मौला अली अलैहि सलाम का एक कॉल मैं आपके सामने पेश करता हूँ इसी हवाले से। मौला अली अलैहि सलाम फरमाते हैं कि इंसान अपनी ज़बान के पीछे पोशीदा है, जब वो बोलता है तो पता चलता है कि उसका किरदार क्या है, लेकिन आदाब गुफ्तगू क्या है ये बेहतर तरीके से हम रहनुमाई हासिल करेंगे अपने उलमाए कराम से कि इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिम सलाम की अजवाज से हमें क्या मालूम होता है कि हमें कैसा अंदाज़ गुफ्तगू इख्तियार करना चाहिए, चाहे वो मज़हबी गुफ्तगू हो या दुनियावी कोई गुफ्तगू हो, गुफ्तगू का अंदाज़ सबसे बेहतर हमें इस्लाम सिखाता है। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद होंगे, इस हवाले से हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, हमद नात का सिलसिला भी होगा, तकरीरी मुकाबला भी होगा, हमद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल भी सजेगी। देखते रहिए बारान रहमत, आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ मेहमान हैं हरदी रजीज शख्सियत जनाब फारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं फारूक भाई? ठीक ठाक हैं? जैसे सब पूरी दुनिया जैसे आप वैसे मैं, माशाल्लाह। एक बार फिर आपका शुक्रिया इसलिए अदा करेंगे कि एक बार आप हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन में आए और उसके बाद दोबारा हमारी रिक्वेस्ट पर आप तशरीफ़ लाए, और उससे पहले एक सहरी ट्रांसमिशन में भी मैं आ चुका हूँ आज, माशाल्लाह। तो मैंने कहा मुझे यहीं कमरा दिला दे, मैं यहीं रह लेता। ये तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है, हम आपसे बहुत सीखते रहेंगे माशाल्लाह। फारूक भाई बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए, और साथ ही हमारे मायानाज सना खान, नात खान, नौह खान, सलाम गुजार जनाब, बहुत सीनियर हमारे नौह खान हैं और नात खान हैं, और बहुत बार आपने रमज़ान ट्रांसमिशन में भी इनको देखा होगा, वैसे भी सोशल मीडिया के हवाले से भी आपने इनको देखा होगा। हमारे सीनियर नौह खान जनाब हसन अयाज जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बहुत शुक्रिया हसन भाई, आज आपने फिर एक बार फिर हमारी ट्रांसमिशन में रौनक बख्शी। फारूक भाई और हसन भाई, अब थोड़ा सा फॉर्मेट मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आज फारूक भाई हमारे साथ मौजूद हैं और यही आज जज हैं, और हसन भाई के भी हम रिव्यूज़ ज़रूर लेंगे फारूक भाई की, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है तकरीर करते करते, तो ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं रुमूज़ और क्या उसूल हैं। मुबाहिसा है आज हमारा, हमारे साथ पहले मुकर्रर हैं मिर्ज़ा नबील बेग और दूसरे मुकर्रर हैं हाफिज़ दानियाल। आज का मौजू हमारा है आज का नौजवान तरक्की लाएगा, आज का नौजवान तरक्की लाएगा। मैं पहले मुकर्रर से दरख्वास्त करूँगा मिर्ज़ा नबील बेग से कि वो रोस्टम पर तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ठीक। नबील, खुश आमदीद आपको ट्रांसमिशन में, बेस्ट ऑफ लक। हमारा मौजू है आज का नौजवान तरक्की लाएगा, आप इसकी हिमायत में तकरीर करेंगे या मुखालफत में? हिमायत में तकरीर, हिमायत में तकरीर करेंगे। इजाज़त लीजिए जज साहिबान से और शुरू। बिस्मिल्लाह। सदर आली वकार, पेशकर्दा करारदाद के इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा की भरपूर हिमायत करता हूँ। आली वकार करारदाद में मौजूद पहला अहम लफ्ज मुल्क यानी पाकिस्तान, दूसरा अहम लफ्ज नौजवान यानी मुल्क की 63% वो आबादी जो अगले ही लफ्ज तरक्की यानी कामयाबी की जानिब गामजन है। आली वकार करारदाद के आखिर में लाएगा है कि जो खुद करारदाद के हक में जाते हुए तरक्की की जमानत है, क्योंकि वो फेले मारूफ है कि जिसका मतलब लाएगा ही है। सदर आली वकार किसी भी कौम, मुल्क और मुआशरे के लिए नौजवान एक अहम ताकत होते हैं और एक अहम किरदार अदा करते हैं। आली वकार आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप, मैं, मेरे बाद आने वाले हज़्ब साहिब इख्तलाफ और पाकिस्तानी नौजवान नशे के आदी हैं? नहीं। क्या आप, मैं, हज़्ब साहिब इख्तलाफ और पाकिस्तानी नौजवान लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं? नहीं। क्या आप, मैं, हज़्ब साहिब इख्तलाफ और आने वाले हज़्ब साहिब इख्तलाफ और पाकिस्तानी नौजवान चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस हैं? नहीं। तो सदर आली वकार 2% मराहत याफ्ता तबके की खातिर 98% तरक्की की जानिब गामजिन मुआशरे को, तबके को फरामोश नहीं किया जा सकता कि यह करारदाद अभी और इसी वक्त मंजूर होती है कि इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा। मैं आने वाले हज़्ब साहिब इख्तलाफ से यह बात कहना चाहूंगा कि यहां आकर मुआशरती बुराइयों और सोशल मीडिया के नुकसान बताने के बजाय नौजवान तरक्की लाएगा या नहीं उस पर बात की जाए। कुछ दाग हैं वो भी मिटाएगा, इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा। अपनी हैसियत तो शनाख्त मनवाएगा, इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा। अपने कांधों पे अपने वतन की जिम्मेदारी उठाएगा, इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आली वकार इकबाल का शाहीन, आगे बढ़ने का
हौसला रखता है, आसमान को छूने का अज़म, आगे बढ़ने की लगन, तो सदरे आली वकार में ये बात कहने पर हक बजाने हूं कि इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा। आली वकार, क्या आरफा करीम रंधावा ने इस मुल्क का नाम रोशन नहीं किया? क्या सदरे आली वकार आप मुझे बताइए कि सैकड़ों तालिबे इल्मों की जान बचाने वाले एतिजाज हसन शहीद ने मुल्क की तरक्की के लिए काम और सर अंजाम नहीं दिया? आली वकार आप मुझे बताइए कि सदरे आली वकार 100 मीटर की दौड़ में सोने का तमगा हासिल करने वाली नसीम हमीद की मिसाल दूँ, या गुजरात में इसारो शुजात की पैकर समिया नौरीन की दास्तान सुनाऊँ कि सदरे आली वकार जिसने अपने नन्हे नन्हे तलबा को जान बचाकर इस बात का सबूत दिया कि हाँ इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा? और सदरे आली वकार असरे हाजिर में कोरोना वायरस की वबा में जब सदरे आली वकार मैं अपने नौजवान डॉक्टरों को अपनी मुल्क की खातिर मुल्क की तरक्की की खातिर अपनी जाने कुर्बान करते देखता हूं तो हां मैं इस बात को कहने पर हक बजाने हूं कि इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा। कुछ कर्ज वतन के हम पर हैं, वो कर्ज भी चुकाएगा। हर लश्कर को ललकारेगा, हर जाबिर को ललकारेगा, हर दुश्मन से टकराएगा, कुर्बान करेगा जानों को और सर को देश पे वारेगा। एक अल्लाह एक रसूल ये तुझको बतलाएगा, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाएगा, इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा, इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे मिर्ज़ा नबील बेग साहब जो कि आज का नौजवान तरक्की लाएगा इसकी हिमायत में तकरीर फरमा रहे थे। इससे पहले कि हम आपके रिव्यूज़ लें, हम दोनों पहले साहिबान को सुन लेते हैं। दूसरे मुकर्रर से दरख्वास्त है हाफिज़ दानियाल जो कि इस मौजू की मुखालफत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप खैरियत से? आज का नौजवान तरक्की लाएगा इसकी मुखालफत में जी, मुखालफत में जी। बिस्मिल्लाह जनाब सदर, पेश करदा करारदाद आज का नौजवान तरक्की लाएगा कि मैं भरपूर मुखालफत करता हूँ। कि जनाब सदर, पेश करदा करारदाद में मौजूद लफ्ज़ नौजवान से मुराद हमारे माशरे के ऐसे अफराद हैं कि जिनके अंदर अपने मकासद को पूरा करने का एक अजीम जोश व जज्बा और वलवला होता है। लेकिन आज का नौजवान तो महज बातें करने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता। जनाब सदर, पेश करदा करारदाद में मौजूद तरक्की लाएंगे से मुराद मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आती है और मैं अपने मुखालिफ मुकर्रर से ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या अब तक हमारा मुल्क तनज़ुली का शिकार है? जनाब सदर, मेरे मुखालिफ दोस्त अपने आप को पाकिस्तान दोस्त होने का दावा कर रहे थे, लेकिन जब इन्हीं नौजवानों से पाकिस्तान की तरक्की और फलाह बहबूद के कामों में मदद मांगी जाए तो ये कहते हैं कि आज नहीं कल सही। तो जनाब सदर, ये कहना गलत ना होगा कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। जनाब सदर, एक तरफ ये बात कर रहे थे कि हमारे मुल्क के नौजवान आला तालीम हासिल करके तरक्की की जानिब इस मुल्क को गामजन करेगा, लेकिन मैं ये इनको बताता चलूं कि जिस नौजवान ने अपने निसाब से हटकर कोई किताब ना पढ़ी हो तो वो नौजवान तरक्की क्या तनज़ुली लाएगा? जनाब सदर, जिस मुल्क के नौजवानों का मामूल ये हो कि शाम में पठान का ढाबा हो, हाथ में चाय की चुस्की हो, हाथ में सिगरेट हो और फकत सियासतदानों की सियासत में चुन चुन कर नुक्स निकालना हो तो ऐसा नौजवान न जाने कैसे तरक्की लाएगा। और जनाब सदर, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे मुखालिफ मुकर्रर शायद पाकिस्तान के इस नौजवान को कायद का मेमार समझते हैं। तो जनाब सदर, ये कैसा मेमार है कि जिसके तालीमी निज़ाम का सिस्टम तक बैनुल अक़वामी इस्तेमार ने बनाया हो तो वो हमारी नहीं दूसरों की तरक्की का बायस बनता है? और जनाब सदर, ये जिन नौजवानों की बात कर रहे थे, जिन नौजवानों की ये बात कर रहे थे, वो फ़कत तो मैंने आज तक कहीं देखे ही नहीं, अलबत्ता यौम आज़ादी के मौके पर मैंने कुछ ऐसे नौजवान ज़रूर देखे हैं कि जिनका मकसद महज बाइकों के साइलेंसर फाड़ फाड़ कर आवाज़ें निकालने तक के महदूद हो, वो क्या खास तरक्की लाएंगे? जनाब सदर, वो तो पहले की बात थी कि जब लालक जान कर्नल शबीर शरीफ मेजर अजीज़ भट्टी हुआ करते थे कि जिनकी मदद से इस मुल्क की तरक्की और बका सलामत थी। लेकिन आज समझ तो आप गए होंगे कि जिन नौजवानों का मकसद महज व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम और टिकटॉक हो वो तरक्की क्या बाहर से सब्जी लाने के भी काबिल न रहे। जनाब सदर, अब उन नौजवानों की बात करते हैं जो आला तालीम हासिल करने के बाद साइबर क्राइम जैसे गंदे जराइम में मुलविस होकर इस मुल्क को एक जराइम पेशा मुल्क बनाने में मसरूफ हैं और फिर ये कहते हैं कि इस मुल्क का नौजवान तरक्की लाएगा। जनाब सदर, फिर मेरा इनसे एक सवाल है कि अगर इस मुल्क के नौजवान तरक्की लाएंगे तो मलाला साहिबा बाहर क्यों है? क्या आप बाहर से तरक्की लाएंगे? जनाब सदर, अगर इस मुल्क के नौजवान तरक्की लाएंगे तो मेरा इनसे ये सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अभी तक नज़रबंद क्यों किया गया है? जनाब सदर, अगर इस मुल्क के नौजवान तब्दीली लाएंगे तो जनाब सदर मेरा इनसे ये सवाल है कि अगर इस मुल्क के नौजवान तब्दीली लाएंगे तो वो आज शिया सुन्नी बरेलवी और दियोबंदी के झगड़े में क्यों पड़ा है? और जनाब सदर,
सोचने की बात है कि अगर इस मुल्क के नौजवान तरक्की लाएंगे तो ऐसी तरक्की का क्या फायदा कि जिसके नौजवान तबीब अपने ही हुक्मरान के इमराज़े कल्ब का इलाज ना कर सके। और जनाबे सदर सोचने की बात है कि जिन सियासतदानों को ऐसे नौजवानों का साथ हो तो फिर वो अपने हाथ में तब्दीली का कशकोल उठाए अपनी कौम की अहलियत का सौदा करते नजर आते हैं और फिर ऐसे फैसले करते हैं कि अपने साथ गैर मुस्लिम अकलियतों को अपने साथ मिलाकर तब्दीली का ख्वाब देखते हैं, तो ऐसी तब्दीली का तो खुदा ही हाफिज़ है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों हजरात रोस्टम पे तशरीफ़ ले आए, मिर्ज़ा नबील बेग आप भी और हाफिज़ दानियाल आप भी। जी फारूक सत्तार साहब, आप क्या? मैं ये समझता हूँ कि इस मौजू की मुखालफत करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हम अपने नौजवानों को मायूसी की तरफ नहीं ले जाना चाहते, हम उनके दरमियान उम्मीद कायम रखना चाहते हैं और बजा तौर पर हमारी आखिरी उम्मीद भी वही हैं, वही हमारे मेहमान हैं। और जब वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए थे तो ये नामुमकिन ममलिकत खुदा दादे पाकिस्तान बनी थी, एक मुमकिन हुआ था और आज पाकिस्तान को बचाना भी है, बनाना भी है। तो मौजू के एतबार से इसकी इख्तलाफ में और मुखालफत में बोलना मुश्किल था, लेकिन ये जो अच्छा, हमारी अभी आपने रिव्यूज देने फैसला महफूज रखना है। हाँ, तो मैं यही समझता हूँ कि लेकिन ये जो इख्तलाफी बातें की गई हैं वो दरअसल उस इस्लाह की तहरीक की तरफ निशानदेही करती है कि जिससे हमें गुजर कर एक सब्र आजमा मरला है, उसके बाद ही हम उस मंजिल पर पहुँचेंगे जहाँ वो नौजवान हमारी तरक्की का यकीनन जामिन बनेगा। तो मैं जो हज़्ब इख्तलाफ के मुकर्रर ने बात की है हाफिज़ दानियाल ने, तो उनकी बातों में अपनी जगह पर वज़न है, दलाइल हैं और उन हवालों को भी अहमियत देनी चाहिए और उन चीज़ों को, बिगाड़ को, ख़राबियों को हम ख़त्म करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारे नौजवान दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक के नौजवान से कम नहीं, उनका IQ कम नहीं और ज़रा नम हो तो वाकई में ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन भाई, अभी फारूक सत्तार साहब का फैसला महफूज है, अपने रिव्यूज़ का इजहार कीजिए। फारूक भाई ने तो सारी बात ही कंप्लीट कर दी और ये बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इस बात को। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक तस्वीर है पाकिस्तान और उसके दो रुख दिखाए थे इन्होंने और दोनों ने बड़े अच्छे रुख दिखाए थे, बाकी फारूक भाई बोलते थे। आपकी इजाज़त हो तो दो तीन चीज़ें मैंने नोट की हैं, वो फिर आप अगर हो तो आप इत्तेफाक कीजिएगा वरना आप इख्तलाफ कर सकते हैं। देखिए, कुछ तलफ़ुज़ के मसाइल थे, मेरे ख्याल से आपने अज़म का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया था? वो अज़म है एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि शुरू आप दोनों जो हजरात जो है ना वो अटक रहे थे बीच बीच में कहीं, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने जब मुखालफत की हाफिज़ दानियाल साहब, तो उसमें आपने जुमला कहा कि जिन नौजवानों का उन्होंने जिक्र किया मैंने आज तक देखे ही नहीं, तो उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे आरफा करीम हैं, उनको आपने देखा तो है ही ना, तो ये थोड़ा सा आपने गलती कर दी इसके अंदर। लेकिन बहरहाल अब फारूक सत्तार साहब की तरफ हम चलते हैं। फारूक सत्तार साहब, बताइए कि इन दोनों में से हम अव्वल कौन हैं, और ताकि हमें ये देखें। मैं समझता हूँ कि हमारी मुल्क की सियासत के, जमहूरियत के, मईशत के, माशरत के ये दोनों ही अहम पहिए हैं जी, जिसमें हज़्बे इख्तदार भी है और हज़्बे इख्तलाफ भी है। क्या बात। और इन दोनों के साथ चले बगैर इस बात की एश्योरेंस नहीं दी जा सकती कि ये मुल्क तरक्की करेगा। तो मेरे ख्याल में इन दोनों को एक दूसरे की बातों पर गौर करना चाहिए, एक दूसरे के अज़्म से सीखना चाहिए। और अल्लामा इकबाल का ये शेर है ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद, तो सितारों पे ही कमंड डालनी है, सितारा पे नहीं डालनी। इस बात का ख्याल बच्चों को, किसी भी एक पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि चले दलाइल दोनों के मजबूत थे, किसी का अंदाज़े बयान थोड़ा कमज़ोर था, किसी का अच्छा, उसको तनाजुर को सामने रखते हैं फिर आप कोई फैसला कर लें, किसी एक ने तो फर्स्ट आना ही है। जी इसीलिए मैं अमूमन जज बनता नहीं हूँ। ये फैसला देना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आज के उन्मान में हमने आपको खास तौर पर सियासी लोगों को वो तो किसी को नाराज करना वैसे भी नहीं चाहते। मेरे तो दोनों वोटर हैं जी, जी। पता चला यहाँ से निकलने के बाद। नहीं, मैं समझता हूँ कि हज़्ब इख्तलाफ के लिए जो हाफिज़ दानियाल ने जो गुफ्तगू की है उसमें हवाले और दलाइल ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा मरबूत तरीके से उन्होंने अपने केस को पेश किया, और वो हमारे भी पेश नज़र रहनी चाहिए। वो खामियां, खराबियां जो माशरती हैं, जो सियासी हैं,
उन्होंने एक अच्छी बात की थी जो कि जो 98% का पाकिस्तान है उसी का पाकिस्तान बनाना है और 2% के हाथों से लेकर उनके हाथों में देना है। तो ये जो कुलिया है वो हज़्ब इख्तदार के उसने दिया, लेकिन दलाइल और हवाले अगर हम पॉइंट्स में बात करें तो कितने पॉइंट का फ़र्क आप दोनों में रखेंगे? मैं तो समझता हूँ कि 51 और 49 है। 51 और 49, अच्छा ठीक है। अपोजिशन के थे उनकी 51 है और जो जिसने कहा है उसके 49 होंगे या माशाल्लाह। तो फारूक सत्तार साहब के जजमेंट के हिसाब से पहले तो आपको ये मुबारक हो कि आपका सिर्फ एक नंबर का ही फ़र्क है। तकरीरें दोनों की बहुत बेहतरीन थी, दोनों के दलाइल बहुत मजबूत थे, लेकिन हमारे जज साहब के फैसले के हिसाब से हाफिज़ दानियाल जो है आज के फाते हैं, लेकिन गिफ्ट हैम्पर्स जो है आपको दोनों को दिए जाएंगे रूह अफज़ा की तरफ से। और रूह अफज़ा ये वो मशरूब है कि जो हमारी रूह को ताज़ा करता है और कुदरती जड़ी बूटियों से ज़ाहिर बना है, हर दस्तरखान पर रौनक, रमज़ान की जो रौनक है उसको दुबाला करता है। ये दोनों गिफ्ट हैम्पर्स आपकी तरफ जाएँगे। आप बहुत बहुत शुक्रिया।